फरियादी ने खुद पकड़वाया अपराधी को, फिर भी पुलिस संपत्ति की वसूली नहीं कर पा रही है। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य के मुंबई महानगर के उपनगर चेंबूर नाम के क्षेत्र में टीएल लोखंडे मार्ग पर स्थित आमिरबाग इलाके में रहने वाले कादिर कादरी नामक व्यक्ति अपने परिवार में एक सदस्य की जन्मदिन की खुशी में खाना खाने अपने परिवार समेत भिवंडी रात में 11:30 बजे के लगभग गए थे। जब ये लोग सुबह 5 बजे के लगभग अपने घर वापस लौटे, लगी हुई कड़ी कुंडा सब टूटा हुआ दिखा। अंदर प्रवेश करने के बाद सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। ज्यादा जानकारी करने पर पता चला कि तकरीबन 1,75,000 रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात भी नहीं थे। साथ ही साथ ब्रांडेड कंपनी की कादिर कादरी की घड़ी थी जिसका मूल्य भाव 1,13,000 रुपए बनता था, वो भी नहीं पाई गई। दूसरे भी कई अन्य सामान घर से गायब थे। इस चोरी की वारदात कादिर कादरी की पत्नी उम्मुल कादरी ने अपने क्षेत्र के तिलक नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। ये मामला 14 फरवरी 2020 का है। चेंबूर के तिलक नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 457 और 380 के आधार पर मामला दर्ज हुआ, परंतु कार्रवाई कुछ नहीं हुई। अंत में कादिर कादरी ने खुद सबूतों को इकट्ठा करना शुरू किया, ब्रांडेड कंपनी की घड़ी का पता लगाया तो पता चला कि अपराधी ने कहीं उसे गिरवी रखी है और उस चोर ने इस वारदात की बातें किसी दूसरे से सेलफोन पर की थी। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कादिर कादरी ने प्राप्त किया और भी अन्य जानकारी पुलिस को दी, जिसके अनुसार पुलिस ने अपराधी आरिफ इस्लामुद्दीन खोकर को गिरफ्तार किया। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने अपनी कस्टडी में आरिफ इस्लामुद्दीन खोकर से मात्र घड़ी के बारे में पता लगा सकी, बाकी की संपत्ति का कुछ नहीं हुआ। तिलक नगर पुलिस 2.25 लाख रुपए मूल्य के जेवरात भी बरामद नहीं कर पाई। इसी प्रकार से वो चोर कुछ दिनों बाद जमानत पर छूट गया। अब इस केस की तरफ नजर डालते हैं तो पुलिस ने कादिर कादरी को जो जानकारी दी थी, उस व्यक्ति और जहां ब्रांडेड कंपनी की घड़ी गिरवी रखी गई थी, उस व्यक्ति को इस केस में वांटेड एक्यूज्ड की लिस्ट में डाल दिया है। खैर, इस मामले में कादिर कादरी ने हमारे संवाददाता शेख शाहिद को क्या बताया, क्या जानकारी दी, कैसे इस केस को खुद अपने निजी तौर पर इन्वेस्टिगेट किया और मीडिया के थ्रू क्या अपील की, आइए देखते हैं। भाईजान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कादिर कादरी है। कादिर भाई, जैसे कि आपने बताया, आपके घर में पहले तो ये बताइए कितनी तारीख को घर का दरवाज़ा तोड़ा गया और चोरी करी गई और किस तरीके से ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया? ये इंसिडेंट हुआ है 14 फरवरी की नाइट में 11:30 और सुबह 5:30 के बीच में ये हादसा हुआ है। मेरे घर में ब्रेक इन रॉबरी हुई है, जो ताला तोड़ा गया है और ताला तोड़ने के बाद चोर ने एंट्री मारी घर में। घर में सारा सामान मेरा तितर बितर करके मेरा पूरा कम से कम 10 लाख का गोल्ड ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, सब लेडीज़ आइटम, वॉचेस, ब्रांडेड वॉचेस, सारा कुछ चोर ने लेके चला गया। इसके बाद मैं पुलिस कंप्लेंट किया, FIR किया पुलिस के पास। मैं फिर एक महीना तक वेट किया, पुलिस मुझे आश्वासन देती गई कि मैं अब हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभी मिलेगा तो बताएंगे। उसके बाद फिर मैं खुद पर्सनली इस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं खुद उतरा। उसके बाद मैंने अपने सारे फ्रेंड्स, मेरे रिश्तेदार, मेरे सर्कल बना के हम लोग सारी लीड ढूंढने की कोशिश करने लगे। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरा ही माल लॉकडाउन के दौरान किसी आरोपी ने किसी और उसके फ्रेंड सर्कल में गिरवी रखा, मेरे घर की चोरी गई हुई वॉच, और उस तरह से मुझे वो पहली लीड्स मिली। उस लीड्स मिलने के बाद चोर ने उसके अलावा और दूसरे की किसी और की घड़ी भी चोरी किया था। ऐसी 2 घड़ी मुझे मिली थी, उसमें से 1 घड़ी मेरे घर की थी, 1 घड़ी किसी और की थी। उसके बाद मैंने वो घड़ी अपने ताबे में लिया और सारा इन्फॉर्मेशन मैंने जमा करने की कोशिश की। बाद में मुझे और रिकॉर्डिंग, मुझे लीड्स मिलते गई उसी लीड्स के ऊपर। उस रिकॉर्डिंग में सारा कुछ चोर खुद कन्फर्म कर रहा है कि मैंने तुम लोगों को खिलाया पिलाया, गलती किया क्या, अकेला खा लेना चाहिए था, मैंने झोल पास कर दिया है, सब कुछ वो खुद बता रहा है और घड़ी का टॉपिक भी उसमें शेयर हो रहा है उस रिकॉर्डिंग में। मैंने सारे एविडेंस जमा किया और तिलक नगर पुलिस स्टेशन चेंबूर में मैं खुद पर्सनली जाके एक ऑफिसर, डिटेक्शन ऑफिसर के पास, जो और जो PIO है उसका, उनका आयो का नाम था सविता चौहान जो मैडम है,
उन्होंने वो केस एक दूसरे चौहान नाम के और एक ऑफिसर है, उनके डिटेक्शन वाला ऑफिसर है, उनके पास ये केस दे दिया। तो मैंने सारे एविडेंस रिकॉर्डिंग सब कुछ उनके पास दिया और मैंने बोला क्या मेरे पास ये आरोपी का नाम है आरिफ इस्माइलुद्दीन कोकर, ये कभी पकड़ा नहीं गया है, पहली बार पकड़ा गया है इस केस में। ये आप जिस जगह रहते हैं ये पहले तो आप ये बताइए ये एरिया का नाम क्या? ये एरिया है चेंबूर अमीर बाग पीएल लोखंडे मार्ग नियर नूरानी मस्जिद के पास। अच्छा, तो ये एरिया में अक्सर चोरी की वारदातें होती रहती हैं? काफ़ी हुई है और उस दौरान जब मेरे घर में जब चोरी हुई थी उस दौरान भी काफ़ी चोरी होती गई है और इससे पहले भी बहुत सारी चोरी की गई है इस एरिया में, लेकिन कुछ लोग पुलिस के इस कारण रिकॉर्ड कंप्लेंट नहीं करते हैं क्योंकि बोलते कौन इनके झंझट में पड़ेगा। अच्छा, उससे डर के मारे मतलब कुछ लोगों को मालूम पड़ने के बाद भी वो लोग कंप्लेंट नहीं करते है सर? मतलब इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, काफ़ी क्रिमिनल्स है इस लोकेशन में, काफ़ी क्रिमिनल्स रिकॉर्ड है, बहुत सारे क्रिमिनल्स आप ढूंढो, चर्सी गर्दुले गांजे सब ड्रग्स विराग्स चोरी चकारी मोबाइल चोरी उसके केसेस काफ़ी है एरिया में। मेरे पास दूसरे दोस्तों ने मुझे प्रमाण पत्र दिया भाई हमारे घर में भी फ़ोन गायब हो गए, लेकिन इतना कुछ चोरी होने के बाद जब पुलिस को पता है कि फला फला आरोपी चोर है उसके ऊपर पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं इसमें पुलिस भी इनका सहयोग कर रही है? हो सकता है, अभी मेरे पास उसका एविडेंस तो है ही नहीं सर, लेकिन आपको पता है बिहाइंड द सीन क्या कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। जैसे कि आपने बताया आप जो घड़ी आपकी घर में से चोरी हुई थी वो घड़ी वहाँ गिरोह मारी गई लॉकडाउन के दरमियान, आपने सारी रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्डिंग हर चीज वहाँ घड़ी सब आपने ले जाके दी, सबके नाम भी नाम भी दिया और लिस्ट और पूरी देने के बाद भी उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया नहीं। और जो मतलब आपके लिए सहयोग कर रहे थे जिन लोगों ने मतलब ये घड़ी जिनके पास बेची गई गिरोह रखी गई थी तो उन लोगों ने मतलब वहाँ पर जाके स्टेटमेंट भी दिया गवाही भी दिया उन्हें ही आरोपी बना दिया उन्हें, हाँ वांटेड बताया गया वांटेड। अच्छा वांटेड बताया गया, पेपर मेरे पास लिखा हुआ है पेपर, वो पेपर में बाकायदा लिखा हुआ है कि पुलिस ने चलो ठीक है लिखा के अपने तरफ से लिखा के हमें जो घड़ी चोर के घर से मिली ठीक है मिली तो मेरी रिकवरी बाकी की गोल्ड ज्वेलरी वॉचेस ब्रांडेड वॉचेस ज्वेलरी और क्यों वो क्यों नहीं मिली, 10 लाख का माल है मेरा मेहनत का कमाया हुआ 10 लाख का माल है वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, आपको घड़ी तो मिल रही चोर के पास से और बाकी मेरे दो लोग थे उनको अपने आरोपी बता दिया है वांटेड लिखा गया है मुझे मेरी रिकवरी जो मतलब आपका साथ दे रहे थे उन्हें ही आपके केस में आरोपी बता दिया गया वांटेड है करके। मुझे इस इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे एकदम डीपली इन्वेस्टिगेशन की जाए इसके ऊपर, मुझे मेरी रिकवरी चाहिए और जो भी इसमें मिले हुए हैं उन सबको ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र अपील टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट CM होम मिनिस्टर्स जितने भी DCP है ACP ADG है मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस केस को इन्वेस्टिगेशन थरोली करें डीपली करें, मेरे पास सब कुछ रहने के बावजूद भी मुझे मेरी रिकवरी मिली नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी रिकवरी मिल जाए और बस मेरे को और किसी से कोई शिकायत नहीं और बाकी जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उसको कम किया जाए इस एरिया में, मैं वो अपील करता हूँ आपसे प्लीज़, चेंबूर के तिलक नगर पुलिस स्टेशन का केस है ये प्लीज़। जान मेरी आवाज़ मत तेरे को ये सब चीज़ बताया मेरी जान। हाँ गलत क्या क्या बनता है, मैं तो ना किसी को कुछ बोला भाई यार ना, अभी ये क्या वहाँ पे मेरे को सुना है मैं आमिर मीन बोल रहा था वहाँ पे यहाँ बीच में फिला मजबूत आरिफ ने जवाब में बिठा के ऐसी माँ गलती कर दिया क्या, उस टाइम पे अकेला खा लेना चाहिए था मेरे को, दोस्तों भी खा लेंगे ये आरिफ और... देख देखो भाई देख मैं तेरे साथ में था मेरे को कुछ मालूम था नहीं ना नहीं ना कुछ मालूम था मेरे को नहीं बराबर नहीं भी वो टाइम पे वो बोल रहा बोले कि ये घूम गया वो घूम गया बोले कड़े घूम गए सुने गए तू क्या बोला उस टाइम हम लोग को देख क्या बोला हम लोग तो मालूम तू क्या कांड किया क्या नहीं, तू क्या बोला मेरे बाप ने मेरे को बाहर जाने के लिए टाइम दिया था तुझे पैसे खर्चे करने दिया बराबर बोला मैं खर्चे कर रहा हूँ मेरा बाप मेरे को बाहर भेजने वाला है तो मैं शॉपिंग कर ले अरे अपन से मैं किसको क्या बोला भाई यार नहीं बताया अरे मैं अमीन की बात कर रहा हूँ अभी देख अमीन तेरी बात समझेगा उनको कुल सब बात तू भी बता रहा है अपने को क्या 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 नहीं हवा अपने को तो ना मानो आ रही तू क्या कर क्या है क्या नहीं कर क्या अपन क्यों किसी को बताएंगे मैं तेरे को बता गलती किया क्या अरे तू मेरे को खाली इतना बोल ना हाँ भाई मैं झोल करके आई लो अपना एक झोल पास हो गए है ना तो जो भी अभी मैंने तो पब्लिक को बताने का सब मैं तू ना बताया भाई किसी को यार आ रही हाँ तो उसको समझा अमीन को बोलना बोलना क्या हरकत कर रहा बोलना बोलना ये सब चीज
फोटा बवाल मत कर लो, फोटा गोटा अटक जाएगा बोलना ये सब चीज आएगा समझा धनु। चाहता है तेरा भाई अटके ये बता मेरे को। ये एक बात बता दे वो। हाँ देख उन लोग ने कुछ किए नहीं जबरदस्ती का समझ रहा अपने घर पे वो जा जाएगा और कुछ अपन देखो खुद को मालूम है कितना डरता है सब चीज से। डरता कहीं डरता भाई मैं फिर डरता ना चोरी चमारी से। मैं कभी तेरे साथ में तू क्या बोला उस टाइम मेरे को भाई मेरे बाप ने खर्चे थे वो पूछा था भारी पैसे कहाँ से आई है तू क्या बोला मेरे बाप ने मेरे को खर्चे करने के लिए पैसे दिया मैं बाहर जा रहा हूँ है ना। जब मैं तेरे साथ में गया ना फिर तूने मेरे को दो दिन के बाद तूने बताया भाई अपना एक सीन पास हो गया था क्या बोला ठीक है क्या बोल रहा था तेरे भाई को मानता है ना बोलो चाहता है कोटे में अटक जाऊं क्यों कोटे में अटक गया भाई फिर ना तेरे बाप नाम का कुछ बवाल कर रहे हैं किधर से क्या। हां मैं इनको इतना समझा रहा बोलना क्या गिरी कर रहा बोलना क्या बता रहे ना बोले हां वहां बोले ये किला वो किला सर मैं बात करता हूँ उससे पूछता हूँ किसको क्या बोला गया करके। अरे घड़ी तो दे भाई यार वो असलम परेशान भाई वो घड़ी का पैसा दे के लेके आना गिरवी मार के तू रखा है तू तो लेके आना यार एक दिन का टाइम बोल के आ रही तीन दिन हो गया चार दिन हो गया आज तीन दिन हो गया ठीक है। हाँ अब ठीक है आ रहा हूँ ना मैं ये क्या बात है यार कर दिया है यार सब कुछ करवा दिया ऐसा लटकाते जा रहा है गिरवी मार के बोला रख करके आ इसका डबल दूंगा पैसा तो दूसरा आगे पैसा दे के गया है वो बंदा भी तकलीफ में तो उसको हेल्प नहीं गया तो क्या मतलब तेरे को हेल्प करके फिर नहीं नहीं कर रहा था नहीं यार सारी छोटा है ना यार ये सब बन जाएगा वो भी किया जाएगा फंस गया उसकी बहन को छोड़ने गया वो मेरे को बोल रहा भाई तू पैसा दे भाई उसको बोल मैं बात नहीं कर सकता उससे नंबर नहीं है कुछ नहीं बस करता हूँ चल ठीक है भाई देख उसका करके दे भाई यार कैसा भी करके जो गिरवी मारा भाई वो लेके चलेगा भाई आपके ठीक है। और सुनना तन्नू बोलना आपके जो कान दे समझ रहा है बाहर भी निकलने का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।